सर, केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया और उसके सहयोगी संगठनों पर भी। देश के प्रत्येक सेक्टर से ये बातें उठने लगी थी कि जो पीएफआई लगातार देश में दंगे फैलाने में, आतंकी घटनाओं में, समाज में नफरत फैलाने में संलिप्त पाई जा रही है, इसको बैन किया जाए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है, और दूसरी तरफ से कहें तो एकता में भी विविधता है। उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश पीएफआई ने सुनियोजित ढंग से की है, और उसकी कई संस्थाएं, कई शाखाएं, उन सभी पे कार्रवाई होना बहुत ही स्वागत की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं, और देश का हर सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीएफआई ये भी सिखाती थी कि कैसे आईडी बनाना है, किन संसाधनों से बनाना है, किन घरेलू वस्तुओं से बना देना है। तो इतने के बाद भी अगर ऐसी संस्था एक सुनियोजित ढंग से देश में आतंक फैलाने में, दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में काम कर रहा है, तो उस पे बैन लगाने के लिए भारत सरकार को बारंबार धन्यवाद करते हैं हम भी और हमारे जैसे करोड़ों लोग।